हेलो बच्चों, चलिए बच्चों आज मैक्सिमम मिनिमा का लास्ट पार्ट कर लेते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम मिनिमा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हमारे लिए कोई काम नहीं बचेगा शायद, ठीक है। फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 12, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्रेंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रेंगल सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज दिस। लो भाई, ये कह रहा है आपके पास भाई एक ट्रेंगल है, आपके पास ये एक ट्रेंगल है और कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी है। अब कह रहा है ए डिस्टेंस एंड बी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रेंगल। भाई मान लीजिए इस साइड, इस तरफ से ए डिस्टेंस है और इस वाली साइड से मान लो बी डिस्टेंस, किसके लिए? हाइपोटेनियस के लिए। अब इसने बोला है तो शो करो कि जो हाइपोटेनियस की लेंथ है वो मिनिमम है, हाइपोटेनियस की लेंथ जो है वो मिनिमम है, और प्रूव करना है कि हाइपोटेनियस की लेंथ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 यह हाइपोटेनियस की लेंथ है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं जरा। ठीक है, चलो। हमें बच्चों मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये एंगल थीटा है तो मान लीजिए ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक। अच्छा, अब क्या करो भाई, क्या करो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ए बी सी, इसे पी ले लेना, इसे क्यू ले लेना, ठीक है। अब ये लिख लो, नाउ पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए सी एंड ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हाँ जब इतना कर लिया तो अब एक काम करो भाई, मुझे हाइपोटेनियस को देखना है। सो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना है? एसी। और जो एसी है, जो एसी है वो मिलके किससे बना है? एपी प्लस सीपी, एपी प्लस सीपी। तो हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, जो ये हाइपोटेनियस की लेंथ एसी है उसमें एपी की वैल्यू और सीपी की वैल्यू दोनों निकालनी पड़ेगी। नाउ इन ट्रायंगल, हाँ भाई इसको पी आर मान लेना, पी आर सी। नाउ इन ट्रायंगल पी आर सी, बच्चों मुझे कौन सी लेंथ दी हुई है? पी आर की। और मुझे क्या, ये क्या हाइपोटेनियस? तो भाई एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कौन है? पी आर। हाइपोटेनियस कौन है? पी सी। तो साइन थीटा पी आर कितना है? बी अपॉन पी सी। पी सी उठ के उधर चला जाएगा, साइन थीटा उठ के नीचे आ जाएगा, तो पी सी बराबर बी, और साइन थीटा बच्चों जब पलट के ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा। तो बच्चों मेरे पास पी सी की वैल्यू आ गई कितनी? मेरे पास पी सी की वैल्यू आ गई बी कॉसेक थीटा। नाउ ए क्यू पी क्या है? ए क्यू पी, ठीक है। अब देखिए थीटा के हिसाब से ये लेटा हुआ जो है इसका बेस 90 डिग्री सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा। तो बेस कितना है? पी क्यू, और हाइपोटेनियस कितना है? ए पी थीटा, और ये ए पी।
एपी वहां जाके मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यहाँ पे इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके करेगा डिवाइड, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, एपी बराबर ए सेक थीटा। ये हमारे पास एपी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, एपी आ गया। ठीक है, नाउ नाउ तो भाई लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एसी है, यानी एसी प्लस में एपी प्लस, एपी प्लस सीपी, तो एसी बराबर एपी की वैल्यू ए सेक थीटा प्लस सीपी की वैल्यू, यानी पीसी की वैल्यू है, सीपी की वैल्यू जो भी है वो है बी कोसेक थीटा। एसी बराबर लेंथ, ठीक है। अब इसी का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू को ही तो क्या करना बच्चों, लेंथ को ही तो मिनिमम करना है। तो ए सेक थीटा का क्या होता भाई, सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा, प्लस बी कोसेक थीटा का क्या होता भाई, कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, तो डीएल अपॉन में डी थीटा बराबर ए सेक थीटा टेन थीटा प्लस माइनस माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। नाउ अब क्या करेंगे, डीएल अपॉन में डी थीटा बराबर जीरो, तो ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, तो ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस वाली चीज वहां जाके क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस में कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए कोई फॉर्मूला लगता हुआ नजर तो आ नहीं रहा, तो छोड़ो, ए सेक थीटा का उल्टा वन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर बी कोसेक थीटा का वन अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यह आ जाएगा ए साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी कॉस थीटा, और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन को वहां ले जाओ तो ए साइन, इसी तरह कॉस को ले जाओगे तो थीटा, कॉस क्यूब थीटा को इसके नीचे ले आओ तो साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा बराबर बी अपॉन में, ये ए इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड, ये बन जाएगा टेन क्यूब थीटा बराबर बी अपॉन ए। अब देखो ये थ्री यहां पे क्या कर रहा है भाई, इसकी पावर है जब उठा के उधर लेके जाओगे तो पलट जाएगी, जब उठा के उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये पलट जाएगी। ठीक है, तो पलट दो, ये बन जाएगा टेन थीटा बी बटा ए, और पावर पलट के एक बटा तीन, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बी बटा ए की पावर वन बाय तीन। तो यानी अगर टेन थीटा को मैं सेपरेट करूं तो बी एक बटा तीन अपॉन में ए की पावर एक बटा तीन, ये आ जाएगी भाई। ठीक है, तो अगर टेन थीटा के हिसाब से, थीटा के हिसाब इस वाले थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी भी तो है, तो पूरे ए बी की लेंथ परपेंडिकुलर, पूरे ए बी की लेंथ बी की पावर एक बटा तीन, और बेस ये पूरा लेटा हुआ भी तो है, तो यानी पूरे बेस की पावर एक बटा तीन, पूरे बेस की पावर। ठीक है जी, और ये फिर लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हम निकालेंगे हाइपोटेनियस से, किससे निकालेंगे, सॉरी पाइथागोरस से, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। नाउ यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है जी, पाइथागोरस क्या है, एसी बराबर अंडर रूट, हाँ भाई एसी बराबर, क्योंकि हाइपोटेनियस है ना ये भाई, इस 90 के हिसाब से तो यही हाइपोटेनियस है, तो भाई एसी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ओ बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी बराबर अंडर रूट ए बी, हाँ जी पूरा ए बी क्या है, बी की पावर एक बटा तीन का स्क्वायर, बी सी कितना है, ए की पावर एक बटा तीन के स्क्वायर, तो इसका मतलब ए सी बराबर अंडर रूट, ए वाले को पहले लिख लो, एक बटा तीन मल्टीप्लाई में दो, तो दो बटा तीन प्लस बी की पावर भी दो बटा तीन, ये हमारे पास ए सी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए सी आ गया। ठीक है, अब देखिए जब ए सी आ गया हमारे पास, अब हमें क्या करना है, यहां तक का काम खत्म हमारा, अब हमें करना है इसको मिनिमाइज, तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, तो यहां तक नोट करो फिर आगे बताता हूँ, जल्दी नोट कीजिए वीडियो पॉज करके।
चलिए बच्चों, तो यहाँ तक कर लिया होगा आपने, इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे ये सब तो कर लिया था, ये मैं मिटा रहा हूँ। हाँ जी, तो क्या करना है अब, हमें प्रूफ करना है ये, अगेन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हाँ जी, तो डी स्क्वायर एल अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर बराबर, हाँ जी, सेक थीटा टेन थीटा के बीच में डेरिवेटिव, हाँ जी प्रोडक्ट रूल लगेगा। सेक थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, ये एज इट इज, ठीक, प्लस प्लस फिर किसका डेरिवेटिव होगा, सेक थीटा एज इट इज, और टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। फिर ये माइनस, अब इसके बीच में होएगा बी बी, हाँ जी, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होगा क्या, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है, और ये वाला कॉट थीटा क्या होगा, एज इट इज, बीच में प्लस, हाँ जी, कोसेक थीटा अपनी जगह पे एज इट इज, कॉट थीटा का होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, डी स्क्वायर एल अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर बराबर ए, हाँ भाई, सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा माइनस, हाँ जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, माइनस अगर यहाँ बाहर निकाल दूंगा तो ये बनेगा माइनस, माइनस क्या बनेगा भाई, प्लस, भाई देखो ना, ये माइनस ये माइनस, तो ये तो पूरा दोनों माइनस, माइनस बाहर निकाल दूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी कॉसेक थीटा कॉट 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 स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस कॉसेक 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 क्यूब थीटा, इतना बनेगा, ठीक है, इतना बनेगा। अब देखोगे अगर सो पूरी की पूरी वैल्यू देख रहे हो किस में आ गई, प्लस में, और यानी कि ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो। सो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज मिनिमम, ठीक है जी, अगर क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो वो क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा। यहां तक हो गया, चलो अब आगे का देखते हैं। अब हमें लेंथ प्रूफ करनी है, अब हमें लेंथ प्रूफ करनी है ए की पावर दो बटा तीन प्लस बी की पावर दो बटा तीन की होल पावर कितनी, तीन बटा दो, ये हमें लेंथ प्रूफ करनी है, ठीक है जी। तो अब लेंथ कैसे प्रूफ की जाए, समस्या ये है कि अब लेंथ कैसे प्रूफ की जाए। हाँ जी, हाँ जी, तो लेंथ कैसे प्रूफ की जाए, तो लेंथ हमने निकाली थी बच्चों, अगर याद हो लेंथ हमने निकाली थी एसी बराबर एपी प्लस सीपी, है ना। एपी एपी कितना था बच्चों, एपी कितना था, एपी था ए सेक थीटा प्लस सीपी, सीपी कितना था, हाँ जी, सीपी कितना था, सीपी था आपका, ओह सॉरी नहीं, सीपी था ए सेक थीटा और एपी था, सॉरी, एपी था ए सेक थीटा और सीपी था ए बी कोसेक थीटा, है ना, बी कोसेक थीटा, चलो ये है एसी बराबर। हाँ भाई, पाइथागोरस लगा के हम लोगों ने ये क्या निकाला, हमने ये निकाला अंडर रूट ए की पावर दो बटा तीन प्लस बी की पावर दो बटा तीन, यही निकाला। चलो तो ए, अब मुझे जल्दी बताओ सेक थीटा क्या होता है, तो बच्चों अगर आपने ये पढ़ा है पी बी पी एच एच बी, ठीक है, ये पढ़ा है, तो बच्चों सेक थीटा का, सेक थीटा का होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट ए की पावर दो बटा तीन प्लस बी की पावर दो बटा तीन अपॉन, हाँ भाई, बेस, बेस कितना है ए की पावर एक बटा तीन प्लस बी, हाँ जी, कॉसेक थीटा कितना है भाई, कॉसेक थीटा है
कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर कितना, बी की पावर 1/3, बस बात खत्म। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, अंदर बचा क्या, ए अपॉन में ए की पावर 1/3, बी अपॉन में बी की पावर 1/3, ठीक है। हाँ तो अब क्या है भाई, अब देखो जरा, ए की पावर 2/3, भाई नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, माइनस में, 1/3 माइनस में। इसी तरह बी की पावर 1 नीचे से ऊपर जाएगी पावर तो किसमें हो जाएगी, माइनस में। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं, अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। हाँ भाई बेस सेम पावर ऐड होगी, 1 में ऐड करोगे 1/3 तो क्या होगा, 3 - 1/3 यानी कि 2/3, यानी ऐड करके 2/3 और यहाँ भी 2/3, इस पूरे की पावर 1, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है भाई, पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 1/2, और 1/2 का मतलब होता है पावर 3/2, और इसी के साथ आपकी पावर 3/2, और यही आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ये क्या है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, एक फिर भयंकर सा क्वेश्चन करा देते हैं आपको। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। फिफ्टीन तो मैंने करा ही दिया था, 17 भी करा दिया था, रह गया 18। ये है भाई क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन तकड़ा। सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन आर राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज सिलेंडर। भाई इसमें दो दो चीजें प्रूफ करनी हमें, ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा, चलो ये मिटा लेते हैं पहले, ठीक है, फिर आप लोगों को मैं करवाता हूँ ये, एक मिनट रुक जाओ बस। कह रहा है भाई सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। लीजिए भाई ये आपके पास एक कोन है, और इस कोन में एक सिलेंडर है, इस कोन में क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसने बोला है द वॉल्यूम कैन बी इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, ठीक है, तो यानी पूरे कोन की हाइट इन्होंने मानी है एच। भाई
पूरे कोन की हाइट इन्होंने क्या मानी है, h, वो भी छोटा वाला। तो हम मान के चलेंगे जो बड़ा वाला, ये जो ये है सिलेंडर की हाइट, हम सिलेंडर की हाइट को बड़ा h मान के चलेंगे। सिलेंडर की हाइट को क्या मान के चलेंगे, बड़ा h। अब देखो, अब इन्होंने कहा है एंड द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ कोन, यानी कि भाई जो ये हाइट है प्रूव करना है कि कोन की हाइट का 1/3 है, और प्लस ये। अब भाई एक काम करना, जो ये कोन का रेडियस है ना, कोन का, इसको मानना छोटा आर, और जो ये इसका सिलेंडर का रेडियस है ना, इसको मानना बड़ा आर। ठीक है, सिलेंडर हाइट की जरूरत है नहीं क्योंकि वॉल्यूम का बोला है इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से। और कह रहा सेमी वर्टिकल एंगल आपको क्या दे रखा है, अल्फा। क्या दे रखा है, अल्फा। अब नामकरण कर देते जरा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं जी। ठीक है जी, ये नाम दे दिया मैंने। ठीक, इसको भी नाम दे दो एफ, जी इसको भी नाम दे दो एच, इस तरीके से सबको नाम दे दिया हमने। नहीं, जी तो हो गया ना, इसको एच दे दो और इसको नाम दे दो आई। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब चलिए शुरू करते हैं भाई। ठीक है, क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले द हाइट ऑफ कोन इज एच। ठीक है, एच, हाइट ऑफ कोन क्या माना, एच। लेट द रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस भी मैंने क्या माना, छोटा आर। एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको क्या मानोगे, बड़ा आर। क्या मानोगे, बड़ा आर। एंड द हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या मानोगे, बड़ा एच। क्या मानोगे, बड़ा एच। एंड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन क्या मानोगे, अल्फा। ये तो पहले ही दिया हुआ है। नाउ अब आप एक काम करो भाई, देखो इसके अंदर ना दो दो चीजें आपको निकालने के लिए बोल दी है। दो दो चीजें क्या क्या निकालने के लिए बोला है, एक बोला है कि भाई हाइट प्रूफ करो सिलेंडर की, कि कौन की हाइट का 1/3 है, और दूसरा प्रूफ करो कि भाई जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो कौन के वॉल्यूम का 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। चलो तो हम ये सब निकाल लेंगे, लेकिन हमें पहले कुछ काम करने पड़ेंगे छोटे मोटे। ठीक है, क्या करने पड़ेंगे भाई, ये हो गया आर, ठीक है, ये हो गया आर, और ये हो गया आपका पूरा एच, पूरा एच। तो इसके हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, नाउ पहले काम करो इन ट्रायंगल, पहले काम करो ट्रायंगल ए एफ ई में, ए एफ ई भाई टेन, सॉरी अल्फा, अल्फा के हिसाब से ये कौन है, परपेंडिकुलर, और ये लेटा हुआ कौन है, बेस। ठीक है भाई, तो ये पूरी की पूरी हाइट कितनी है, एच, और ये पूरा इसका रेडियस कितना, आर। तो भाई टेन अल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कौन है, एफ ई, हाइपोटेनियस कौन है, ए एफ। तो टेन अल्फा एफ ई कितना है, आर, और ए एफ ये भाई पूरी हाइट, कौन की हाइट कितनी, एच। एच को उठा के वहां ले जाओ, एच को उठा के वहां ले जाओ, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर इज इक्वल टू एच टेन अल्फा, ये तुम्हारा पहला पार्ट बन गया। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट बन गया। अब क्या बोल रहा है इसमें, अब बोल रहा है कि भाई इसके यानी कि रेडियस पे काम करना है हमें। ठीक है जी, रेडियस पे काम करते हैं फटाफट। अब आ जाओ इसके दो ट्रायंगल में आ जाओ। हाँ, दो ट्रायंगल में आ जाओ, एक आ जाओ ए एफ ई और एक आ जाओ सी एच ई। ठीक है, अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एच ई, इसमें आ जाओ। ठीक है, अब अगर देखोगे ए ए एफ ई और सी एच ई दोनों 90 डिग्री है, एंगल ए एफ ई बराबर है एंगल क्या, सी एच ई, क्यों, दोनों 90 डिग्री। ठीक है, अब ये, अब देखना ए ई एफ और सी ई एच, एंगल ए ई एफ बराबर है एंगल सी ई एच, क्योंकि दोनों में एंगल क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो यानी कॉमन एंगल, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन एंगल। तो बस क्या मैं लिख सकता हूं, ट्रायंगल ए एफ ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एच ई बाय
बाय ए ए सिमिलैरिटी, क्या आ गया भाई, बाय ए ए सिमिलैरिटी। ठीक है, कैसे पता किया मैंने भाई, मैंने देखा कि एंगल भाई एफ और एंगल एच दोनों 90 डिग्री आ रहे हैं, और क्या देखा, एंगल ए ई एफ और एंगल सी ई एच दोनों के दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो जब दो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा ऑब्वियस से अपने आप बराबर होता है, और वो क्या होते हैं ट्रायंगल, वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। कौन से ट्रायंगल होते हैं, सिमिलर। चलो अब जरा कहानी आगे की बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, ये देखो आपको तो पता ही है ए एफ और सी एच बराबर है ई एफ अपॉन में ई एच बराबर है ए ई अपॉन में क्या भाई, सी ई अपॉन में सी ई। तो भाई मेरे को स्लांट हाइट से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको करूंगा परे, उठाऊंगा इनको। हाँ भाई ए एफ, ए एफ कितना मेरे पास एच, सी एच, सी एच कितना मेरे पास बड़ा एच, ई एफ, ई एफ, हाँ भाई ई एफ, ये आ गया ई एफ, ये पूरा ई एफ। तो ये कितना मेरे पास, ये है मेरे पास आर। अब आता ई एच, ये ई एच कितना भाई, ये ई एच है बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाला रेडियस माइनस कर दो, तो बड़े वाला रेडियस कितना है, बड़ा छोटा आर, और छोटे वाला रेडियस कितना है, बड़ा आर। तो यानी इस तरीके से कहने का मतलब जो ई एच है, ई एच है उसे एफ ई माइनस, एफ ई माइनस एच ई, ई एच कर दो, क्या कर दो, सॉरी एफ एच कर दो, बस ये करना है। ठीक है, क्या करना है कि भाई हमें निकालनी है लेंथ किसकी, हमें लेंथ निकालनी है ई एच की, तो क्या करो एफ ई, एफ ई वाले में से एफ एच को माइनस कर दो, बात खत्म। तो एच अपॉन में एच, आर अपॉन में एफ ई, एफ ई कितना है, एफ ई कितना भाई, बड़ा छोटा आर, और एफ एच कितना है भाई, एफ एच कितना है, जब ये आर है तो ये भी बड़ा आर, तो यानी ये माइनस में बड़ा आर। ठीक है, अब बस यहां से हमें सॉल्यूशन करके हमें वैल्यू निकाल लेनी है, हमें क्या निकाल लेनी है, वैल्यू निकाल लेनी है, किसकी वैल्यू निकालेंगे, हाँ भाई किसकी वैल्यू निकालेंगे, बड़े एच की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, बड़े एच की। कैसे भाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जा, ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये क्या क्या कर रहा है, डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई। तो देखो एच आर ई माइनस आर बराबर एच आर, ये आर यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, एच आर ई माइनस आर अपॉन आर बराबर एच। तो भैया एच बराबर, हाँ जी छोटे एच की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू एच टेन एल्फा माइनस आर अपॉन, हाँ भाई छोटे आर की वैल्यू एच टेन एल्फा, एच से एच कट गया, बड़े वाले एच की वैल्यू आ गई एच टेन एल्फा माइनस आर अपॉन टेन एल्फा। हाँ जी एच की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू आ चुकी है, एच की वैल्यू आ चुकी है, और आर हमारे पास है ही, बस बात खत्म करना है अब यहाँ से, अब हमें यहाँ से क्या करना है, काम खत्म करना है। ठीक है, तो क्या करो भाई, सारी वैल्यू आपके पास आई गई है, लगाना शुरू करो फॉर्मूला। ठीक है, किसको किसको करना है मैक्सिमाइज, वॉल्यूम को। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बड़ा एच, बड़ा आर क्यों लिया, क्योंकि सिलेंडर का आर बड़ा है, और बड़ा एच क्यों लिया, क्योंकि सिलेंडर का एच भी बड़ा है। तो वी बराबर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू कितनी है, एच टेन एल्फा माइनस आर अपॉन टेन एल्फा, हाँ भाई टेन एल्फा बाहर कर दो, v बराबर पाई अपॉन टेन एल्फा, आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ, आर स्क्वायर एच टेन एल्फा माइनस आर स्क्वायर को आर से करोगे आर क्यूब। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके करोगे, क्योंकि भाई हमें तो वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमम करना है, तो जब सिलेंडर का मैक्सिमम करना है तो आर को, तो डी वी अपॉन में डी आर बराबर पाई अपॉन में टेन एल्फा, हाँ जी आर स्क्वायर पावर आगे एक कम, ये तो कॉन्स्टेंट रहेंगे माइनस, इसका भी पावर आगे एक कम, बात खत्म। नाउ अब क्या करेंगे, डी वी अपॉन में डी आर बराबर जीरो, पाई अपॉन में टेन एल्फा टू आर एच टेन एल्फा माइनस थ्री आर स्क्वायर बराबर जीरो, भाई डिवाइड कर रहा मल्टीप्लाई कर रहा, डिवाइड होके जीरो, डिवाइड कर रहा मल्टीप्लाई होके जीरो, टू आर एच टेन एल्फा माइनस थ्री आर स्क्वायर बराबर जीरो, टू आर एच टेन एल्फा उधर जाके थ्री आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया, एक आर से एक आर कट गया, अब किसकी वैल्यू निकालनी रह गई, अब निकाल लो बड़े आर की वैल्यू, तो बस टू एच टेन एल्फा, थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड, तो बड़े आर की वैल्यू कितनी आ गई,
2H tan अल्फा कितनी आ गई, 2H tan अल्फा, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब प्रूफ करो इसे, यानी अब अगेन डिफरेंशिएट करो पहले। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बड़ा आर, तो बड़ा आर डिफरेंशिएट किसका करना है, डिफरेंशिएट इसका करना है, तो ये बनेगा कुछ ऐसे। हाँ भाई, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर बराबर पाई टेन अल्फा यहीं रहेगा, इसका क्या बनेगा भाई, सॉरी 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 गलत बोल दिया, इसका करेंगे तो भाई इसका क्या होगा, टू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1H tan अल्फा माइनस इसका पावर आ जाएगा 3 3 2 6 R, ठीक है, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वी डी आर का स्क्वायर बराबर टेन अल्फा 2H tan अल्फा माइनस 6 R, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ये मैक्सिमम या मिनिमम भाई, ये प्रूफ करना था हमें मैक्सिमम, क्या प्रूफ करना था, मैक्सिमम प्रूफ करना था, ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, डी स्क्वायर वी डी आर स्क्वायर पाई टेन अल्फा 2H tan अल्फा माइनस 6 R की वैल्यू, अभी अभी क्या निकाली, R की वैल्यू निकाली 2H tan अल्फा 2H tan अल्फा अपॉन में 3, 3 से इसको काटेंगे 2 पाई टेन अल्फा 2H tan अल्फा माइनस 2 दूनी 4 tan अल्फा, हाँ भाई पाई टेन अल्फा इंटू में 4 में से 2 गया तो माइनस का 2H tan अल्फा, हाँ भाई टेन अल्फा से टेन अल्फा कट गया, माइनस का 2H पाई लेस देन 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, द वॉल्यूम इज, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, यहां तक का उतारो फिर आगे करते हैं, ठीक है, यहां तक का उतारो फिर आगे करते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए ये कर लिया, चलिए शुरू करें। अब हाइट को प्रूफ करना था H/3 के बराबर, ठीक है, हाइट को प्रूफ करना था किसके बराबर, H/3 के बराबर, तो यहां से होएगा नाउ, तो H बराबर H tan अल्फा माइनस R/2 टेन अल्फा, तो H बराबर टेन अल्फा माइनस R, R की वैल्यू क्या है, 2H tan अल्फा 3, ठीक है, अपॉन में टेन अल्फा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 की मल्टीप्लाई से 3H tan अल्फा माइनस इसके इससे तो 2H tan अल्फा अपॉन में 3 tan अल्फा H, भाई 3H tan अल्फा में से 2H tan अल्फा गया तो कितना बचेगा, 1H tan अल्फा, ठीक है, और ये वाला 3 खिसक के नीचे 3 tan अल्फा, टेन अल्फा से टेन अल्फा गया, एच बराबर देखो H/3 हो गया प्रूफ। नाउ अब क्या प्रूफ करना है कि वॉल्यूम जो होना चाहिए, अब क्या प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है भाई, वो होना चाहिए 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, नाउ तो वॉल्यूम क्या है, वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर / एच वी,
पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर की वैल्यू, 2h tan अल्फा अपॉन में 3 का स्क्वायर, और h h की वैल्यू अभी क्या निकाली हमने, h/3। ठीक है जी, बस बात खत्म। पाई 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 इंटू में h/3। अब देखो v बराबर 4/27 मेरे को बाहर चाहिए, तो 4 तो बाहर निकाल लिया, h 9 दिया 27, पाई h इंटू h, h का क्यूब, और ये tan स्क्वायर अल्फा। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बस इतना सा करना था बच्चों, ठीक है। इसी के साथ आपका मिसलेनियस भी होता है खत्म। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंदी है, क्या करें, करना पड़ेगा भाई। ठीक है, आपको होमवर्क में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्रेपीजियम वाला, आपके एग्जाम्पल में, ये 6.5 के एग्जाम्पल में है, शायद एग्जाम्पल नंबर 41 होगा, देखना। ठीक है, 41 है, पता नहीं कौन सा, एक मिनट रुको मैं चेक करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 37 ये ट्रेपीजियम वाला है, ठीक है, ये आपको करना है, एग्जाम्पल में दिया हुआ, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो मुझे बताना, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसे नोट कर लीजिएगा, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।